फ्रेंड्स, गैजेट प्रिंसिपल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेसक्राफ्ट या स्पेस शटल या रॉकेट कैसे काम करता है, उसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल और कौन सा लॉ यूज़ होता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए जिससे मैं आपको बता पाऊँगा स्पेसक्राफ्ट के बारे में। तो स्पेसक्राफ्ट एक तरह का व्हीकल है ट्रांसपोर्टेशन या अर्थ से बाहर जाने के लिए। दोस्तों, जैसे हमारे पास कार, बाइक, स्कूटर, ट्रक, ट्रेन, बुलेट ट्रेन, एरोप्लेन है, ये सारे व्हीकल हैं। कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं, कुछ डोमेस्टिकल पर्पज़ के लिए। मगर जो स्पेसक्राफ्ट है वो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं अर्थ के बाहर झाँकने के लिए, अर्थ के बाहर जाने के लिए, जिससे वो अर्थ के बारे में और स्पेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सके। तो स्पेसक्राफ्ट में कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है, आपने पढ़ा ही होगा बचपन में दोस्तों, 9th-10th की क्लासों में न्यूटन का लॉ। दोस्तों, न्यूटन के तीन सिद्धांत थे दोस्तों। पहला सिद्धांत इनर्शिया पे बेस्ड था, दूसरा सिद्धांत दोस्तों मोमेंटम, और तीसरा जो सिद्धांत या लॉ था वो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप किसी भी चीज़ पे पंच करते हैं दोस्तों, जितनी रफ्तार से, जितने पावर से आप पंच करेंगे, उतना ही रिप्लाई आपको उस चीज़ से वापस मिलेगा। ये था न्यूटन का तीसरा लॉ। इसी प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है स्पेसक्राफ्ट को लिफ्ट करने के लिए, अर्थ के ग्राउंड से ऊपर जाने के लिए और अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए, जिससे कि वो अर्थ के बाहर जा पाएगा। और इसके लिए हमें स्पीड, आपको बताता हूँ मैं कितनी चाहिए। तो एक स्पीड या वेलोसिटी होती है, एस्केप वेलोसिटी ये टर्म है दोस्तों। इस टर्म या एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको लिफ्ट या उससे ज़्यादा की लिफ्ट चाहिए होती है। अगर उससे कम लिफ्ट होगी तो वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो मान लीजिए, आपको मैं किलोमीटर में बताऊंगा दोस्तों, 40,000 से लगभग कुछ ज़्यादा किलोमीटर पर आर की स्पीड चाहिए स्पेस शटल को अर्थ के ग्राउंड से उठने के लिए। और इसको माइल में कन्वर्ट किया जाए तो 25,000 पर माइल की रफ्तार चाहिए दोस्तों स्पेस शटल या रॉकेट को अर्थ की जो ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए, तभी वो अर्थ से बाहर जा पाएगा। तो ये जो न्यूटन का तीसरा सिद्धांत है, ये काम कैसे करता है दोस्तों, इसमें यहाँ पे थ्रस्ट का यूज़ किया जाता है। थ्रस्ट आपको मैं एक स्क्रीन पे इमेज दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसके द्वारा दोस्तों थ्रस्ट पैदा होता है, जो जेट इंजन होता है, प्रोपल्जन होता है स्पेस क्राफ्ट के पीछे, आप देखेंगे इस इमेज में दोस्तों। तो यही प्रोपल्जन दोस्तों फ्यूल और ऑक्सीजन का सीधा संपर्क होता है, जिससे एग्जॉस्ट गैसेड इतनी तेज़ी से बाहर निकलती हैं कि वो थ्रस्ट पैदा करती हैं। और ये थ्रस्ट एयर से जाके टकराता है दोस्तों, तो जितनी तेज़ी से थ्रस्ट बाहर निकलता है उतनी तेज़ी से जो एयर है दोस्तों उसको पुश करती है। यहाँ पे न्यूटन का तीसरा लॉ है दोस्तों, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी तेज़ी से प्रोपल्जन में एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं रॉकेट से, उतनी ही तेज़ी से जो एयर का रेजिस्टेंस है उसको बैक करता है दोस्तों, पुश करता है, जिससे रॉकेट में लिफ्ट मिल पाती है। तो ये तो है तीसरा सिद्धांत, और आपने देख लिया होगा प्रोपल्जन में कैसे काम करता है दोस्तों। वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से नहीं लिया जाता रॉकेट से, वो उसमें प्योर ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंबशन हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जॉस्ट गैसेस निकल पाए, जिससे जो रॉकेट है वो लिफ्ट कर पाए अपवर्ड, या अप थ्रस्ट का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो आप इमेज में दिखाया मैंने आपको, आप दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रेड जो चेंबर दिख रहा है वो फ्यूल का है, और जो ब्लू चेंबर है वो ऑक्सीजन का है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, उनमें से दोनों में से डायरेक्ट पाइपें जा रही हैं प्रोपल्जन या जेट इंजन के लास्ट चेंबर में, जहाँ पे कंबशन इसका होना है। और ये जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली फ्यूल से मिलती है, जिससे जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं उनका जो फ्लेम है वो काफ़ी तेज़ होता है। तो ये हर सैटेलाइट, वो हर स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट का एक लॉन्चिंग पैड होता है। जैसे इंडिया में दोस्तों हरिकुंडा में है दोस्तों, साउथ साइड में, वहाँ पे वो इसरो का लॉन्चिंग पैड है दोस्तों। वहाँ से जो रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट हैं वो अर्थ के बाहर जाते हैं, और सैटेलाइट या कुछ भी और अदर काम के लिए वो वहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन का तीसरा सिद्धांत, और मैं आपको बताता हूँ रॉकेट के इन्वेंटर कौन थे। तो आप स्क्रीन पे उनका नाम देख सकते हैं, रॉबर्ट हस्टिंग्स कुछ करके है दोस्तों, ये प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है। तो ये हैं रॉकेट के डिस्कवरर, और जो सबसे पहली जो फ्यूल का इस्तेमाल जो या
सबसे पहले जो माना जाए हिस्ट्री, वो 800 साल पहले चाइना में सॉल्व किया गया था। फ्यूल इंजन लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया था। तो वहाँ पे जैसे लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम रॉकेट में करते हैं, हाइड्रोजन प्योर हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारा जो कंबर्शन है वो काफ़ी तेज़ मिलता है। तो 800 साल पहले चाइना में इसी तरह के लिक्विड लिक्विड जैसे कैरोसिन एक तरह का लिक्विड फ्यूल है, वैसे ही लिक्विड हाइड्रोजन एक तरह का लिक्विड फ्यूल है, 800 साल पहले इसका इस्तेमाल किया गया था। जो सबसे पहले रॉकेट में फ्यूल इस्तेमाल किया गया था वो 1926 में किया गया था। ये मैंने हिस्ट्री देखी गूगल पे तो कुछ ऐसा दिया था। तो आपको रॉकेट के बारे में तो पता लग चुका होगा, रॉकेट कैसे लॉन्च होता है। जो जो आपके एरोप्लेन होते हैं दोस्तों, जो आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एरोप्लेन होते हैं दोस्तों, वो पृथ्वी से 15,000 मीटर से ऊपर नहीं उड़ पाते दोस्तों। वहाँ से उसकी जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाती है। तो वही जो लोएस्ट सैटेलाइट है कोई भी, वो 160 किलोमीटर पृथ्वी की कक्षा से ऊपर होती है, उसको भी दोस्तों रेजिस्टेंस या एटमॉस्फेयर का सामना करना पड़ता है। तो आप रॉकेट पे कल्पना कर सकते हैं, रॉकेट में इतनी तेज़ स्पीड होती है, उसको रेजिस्टेंस या एटमॉस्फेयर का कितना रेजिस्टेंस करना पड़ता है, कितना सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो रॉकेट होते हैं उनका जो आउटर सरफेस होता है वो जो मिट्टी की टाइल्स होती हैं उनसे बना होता है, जिससे रॉकेट की जो हीट करने की कैपेसिटी है वो कम से कम रहे, जिससे कि अंदर जो उनके लोग या क्रू मेंबर हैं वो सेफ रह सके। तो ये तो है रॉकेट के पीछे का साइंटिफिक वर्क दोस्तों। मैंने आपको लॉ बता दिया, थर्ड लॉ न्यूटन का यूज़ किया जाता है, थ्रस्ट का यूज़ किया जाता है, और ये थ्रस्ट ही है जो रॉकेट को लिफ्ट पहुंचाता है। और जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है, इस एस्केप वेलोसिटी से जो रॉकेट की स्पीड है उसको ज़्यादा होना पड़ता है, तभी वो अर्थ की सरफेस से बाहर हो पाती है। तो वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो हम आवर में कन्वर्ट करें तो 40,000 किलोमीटर पर आर होता है, और माइल में कन्वर्ट करें तो 25,000 माइल पर आर होता है। तो ये तो रॉकेट के पीछे की कुछ कहानी है। रॉकेट का जो आपने नोज़ल देखा वो एयर डायनेमिक होता है, वो एयर डायनेमिक इसलिए होता है कि जो एयर का रेजिस्टेंस है वो कम से कम कर सके और जो एयर में से वो आराम से निकल सके। तो आप उसकी जो नोज़ल देखेंगे या किसी भी आप एरोप्लेन की नोज़ल देखते हैं वो हमेशा शार्प होती है और ट्रायंगुलर होती है, कोन की तरह होती है। तो आपके जो आप उसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है वो एयर डायनेमिक का रीज़न है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों या फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता लग सके रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करता है। और उनसे आप जनरल क्वेश्चन भी इसके पीछे में पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ उसकी नोज़ल क्यों इतनी शार्प होती है। और हमारे गैजेट प्रिंसिपल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए, जिससे YouTube का एल्गोरिथम है वो आपको नोटिफिकेशन दे पाएगा जब भी मैं आप कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद।